कौन सा इस घर में होते हैं जो आपको पता हो कि इस घर में क्या मामला चल रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं? कम टू द पॉइंट। मिस सारा, आप बहुत सादा और मासूम लड़की हैं। अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना सीखें। जिस दिन उनका असल चेहरा आपके सामने आएगा ना, नफरत होने लगेगी आप कौन सा। जब तक ये औरत इस घर में है ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस औरत को अपने घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। बदतमीज, आज के बाद मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ काट दूंगी तुम्हारा। अरे वाह, कहाँ की तैयारी हो रही है जनाब? बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ओह, तुम्हारा बटन टूट गया। लाओ दो, मैं दो मिनट में टांग देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे कमरे में बगैर नॉक किए मत आया करो, बल्कि आए ही मत करो। अच्छा नहीं लगता मुझे तुम्हारा इस तरह बेधड़क आना। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा बता कर आया करूंगी। वैसे मैं सुबह से आई हुई हूँ, लेकिन बस तुमसे सामना नहीं हुआ। अभी आपा बता रही थी कि तुम हॉस्पिटल खाना देने जा रहे हो। अरे लाओ मुझे तो, मैं डाल देती हूँ। क्या कर रही हो ये, दूर हटो, जाओ यहाँ से। किसी ने देख लिया तो? प्यार करने वालों को दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, सो मैं भी नहीं करती। शट अप, बंद करो अपनी बकवास। जाहिल लड़की। ज़हीन, 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 संजय को घर छोड़ देना, अस्पताल के रास्ते में तो पड़ता है, छोड़ते हुए निकल जाना। भाभी मुझे पहले ही देर हो रही है, अब्बा के लिए रात का खाना लेकर जाना, बेहतर होगा आप खुद ही कोई बंदोबस्त कर लें। अरे इतनी रात को वो कैसे जाएगी अकेली? आपकी बहन है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ज़हीन, जीव इंसान है ये। दो दिन बाद स्टिचेस ओपन हो जाएंगे, उसके बाद हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अलबत्ता अगले चंद घंटे उन्हें हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। कैसी तबीयत है पापा? हाँ अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। अभी थोड़ी देर पहले हसन साहब भी आए थे उनका पता करने के लिए, काफ़ी चीज़ें भी साथ लाए और उनके मैनेजर ने हॉस्पिटल का बिल क्लियर करवा दिया। और हाँ ज़हीन, वो जाते जाते अपना वॉलेट साइड टेबल पर भूल गए। अच्छा मैं कल उनको दे दूँगा। कल नहीं, अभी दे दो, उनकी ज़रूरी चीज़ है। वैसे भी मैंने उन्हें कॉल करके बोल दिया कि ज़हीन आपको आपका वॉलेट दे जाएगा। मैं अब्बा से मिल लूँ, फिर जाते हुए दे जाऊँगा। एहसन, खाना लग गया, आके खाना खा ले। चलो आओ बेटा आओ, हम लोग भी डिनर के लिए जा रहे थे, जॉइन अस। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी ना समझा। कौन सी बड़ी बात बेटा? बुआ का इस घर से जाना मामूली बात है, उन्होंने हमें माँ बनकर पाला और आज जब वो बूढ़ी और बीमार हो गई है तो आप उनकी खिदमतों का सिला देने के बजाय उन्हें जॉब से ही निकाल दिया। सारा, तुम्हें किसने कहा है कि हमने बुआ को निकाल दिया? बुआ को रेस्ट की जरूरत थी तो हमने उसे छुट्टियां दी हैं। तुम चुप रहो, हमारे पर्सनल मैटर्स में बोलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बीच में आओगी तो बहुत पछताओगी। सारा ये घर शाजमा का भी है। आपने इसी के कहने पे बुआ को जॉब से निकाला था ना? ये मेरा डिसीजन है, मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया, मुझे किसी के मशवरों और नसीहतों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। I'm the head of this family. तुम्हें भी मेरे फैसले का एहतराम करना चाहिए। एहसन, प्लीज काम डाउन, आप तो तहम्मुल से बात करें, ये तो है ही जज्बाती। ज्यादा चापलूसियां करने की जरूरत नहीं है बाबा की, यही मीठी मीठी बातें करके तुमने बाबा को ट्रैप किया है ना, लेकिन मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी। Behave yourself, सारा। इतना ऊंची आवाज में बात करोगी तो मुलाजिम सुनेंगे। सारा, मेरी जान, इस तरह से बात नहीं करते। हाथ मत लगाओ मुझे। देखो अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लाओ,
ये तो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारी इस तरह से बातें बर्दाश्त कर लेते हैं। कल को अगले घर जाना है, लोग बर्दाश्त नहीं करते। अब तुम मुझे सिखाओगी कि किस तरह बात करनी है? सारा, अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से मैं बढ़ी हूँ या ये औरत? बाबा, आप तो मुझसे प्यार करते थे, आप तो मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। जब से बेला गई है, से मैं इतनी अकेली हो गई थी। एक बुआ थी मेरे पास, और उनको भी आपने निकाल दिया इस औरत के कहने पर। आज बुआ को निकाला, कल को क्या मुझे भी निकाल देंगे इस घर से? कैसी बातें कर रही हो सारा? तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो। मैंने जो कुछ भी किया बेटा, बेटा तुम्हारे भले के लिए किया। देखो बेटा, अब तुम बड़ी होगी हो, तुम्हें बुआ की जरूरत नहीं है। जी आपकी जरूरत तो है ना बाबा, आप भी मेरी नहीं रहे। इस औरत ने आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भर दी है, आपके पास तो मेरे लिए टाइम भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है सारा, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। कभी नहीं, अपना कंपैरिजन मेरी माँ के साथ कभी मत करना। वो एक खानदानी और शरीफ औरत थी, तुम्हारी तरह की नहीं, जो पैसे के लिए अपने बाप की उम्र के आदमी को ट्रैप करके उनसे शादी कर ले। ऐसन साहब से मिलो। वो अंदर ही है, जाके मिल लो। आपने इस चीप और घटिया औरत को हमारे घर में लाके खड़ा कर दिया, और आप चाहते हैं कि मैं बोलूं भी ना, एहतजाज भी ना करूं। पापा, ये औरत बहुत खतरनाक है, ये आपको बर्बाद कर देगी, ये हम सबको बर्बाद कर देगी। एक वक्त आएगा कि आप बहुत पछताएंगे, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा, मैं भी नहीं। सारा यहाँ से जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आप मुझ पर हाथ उठाएंगे इस औरत की वजह से? अगर आपको मेरी जरा सी भी परवाह है ना बाबा, तो इसको इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल दे। इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। कहा ना, चुप कर जाओ सारा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक आप इस औरत को इस घर से और अपनी जिंदगी से नहीं निकाल देंगे। इसको जितने पैसे चाहिए दे दे, जो जेवर जायदाद यहाँ से लेकर जाना चाहती है ले जाए, लेकिन इस घर से और आपकी जिंदगी से दूर चली जाए। शाजमा, मैं तुम्हारी इस प्लानिंग को कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी और इसी वक्त निकल जाओ इस घर से, और दोबारा कदम ना रखना यहाँ। सारा, ऐसे नहीं, आपने क्या किया है? आपने मुझ पे हाथ उठाया इस औरत की वजह से। तुम्हारी जिद और हठधर्मी की वजह से तुमने मुझे मजबूर कर दिया। सारा, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों इस घर के सुकून को बर्बाद करने पर तुली हो? सर, ये आप अपना वॉलेट भूल गए थे। रोना ही तुम्हारे नसीब है। बहुत जोर का पड़ा है ना, दर्द भी हो रही होगी। पानी लाऊं क्या? शट अप।
अभी और इसी वक्त निकल जाओ इस घर से और दोबारा कदम न रखना यहाँ। सारा तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। इस घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना उसे ठीक करो। कोशिश कर तो रही हूँ एहसन, मैं सारा मुझसे कोऑपरेट करे तो फिर ना, सारा दिन उसका मुझसे मूड खराब रहता है। वैसे भी आज आपको सारा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपने उसे मजीद बदजन कर दिया मुझसे। वो तो पहले ही मुझे अपना दुश्मन समझती थी, अब तो मुझे पता होता ना कि शादी के बाद मेरी फैमिली में इतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो मैं ये कदम उठाता ही ना। आप पछता रहे? तो जो हो रहा है तुम देख रही हो, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं रही। अरे लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मैं थक गया हूं सबको एक्सप्लेनेशन देकर। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा, आप पछताएंगे और भुगतना मुझे पड़ेगा। मैंने कितना मना किया आपको और अम्मी को, आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। शाजमा जो हो गया सो हो गया। मैं क्या आपसे तलाक लेने के बाद मुझे कौन इज्जत देगा? इतना बड़ा दफा लगने के बाद मुझे कौन अपनाएगा इज्जत? अरे मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा। अब ये रोना तो बंद करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन सारा किसी सूरत तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा पोजेसिव है। अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एक घर की छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास क्यों नहीं चली जाती? लेकिन क्यों? तुम्हारे दूर जाने से सारा का रवैया शायद बदल जाए और मुझे और सारा को एक दूसरे को एडजस्ट करने का मौका मिल जाएगा। नहीं, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप सारा की बातों को इस कदर दिल पे क्यों लेते हैं? आपका मजा ही है कि आप चीजों को फौरन ठीक करना चाहते हैं। अब अपने आप को थोड़ा टाइम दे, थोड़ा सारा को टाइम दे। देखो शाजमा, बेला भी तो सारा की बहन है ना, उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है, लेकिन कितनी सेंसिबल और मैच्योर है। उससे आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। ये सारा, इसने तो मुझे सिच करके रख दिया। सारा को बेला से ज्यादा प्यार और अटेंशन भी तो मिली है। उसी प्यार और अटेंशन की तो कीमत चुकाना पड़ रही है मुझे। ऐसा ना, ऐसा क्यों नहीं करते? सारा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करते। शादी के बाद उसके अंदर का बचपना और जज्बातीपन सब खत्म हो जाएगा। सारा की शादी तुम्हारा मसला है। मैं तो बस सोचने में क्या हर्ज है इंसान का। ज़हीन, तुम चले जाओ, आज सारा बीबी नहीं जाएंगी यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? बुखार हो गया है। शरीफ, ये चाबी रख। सारा प्लीज कुछ खा लो, रात से भूखी हो तुम, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया बेटा तुम्हारी वजह से। आपने क्यों नहीं खाया? तुम भूखी हो तो मेरे हलक से एक निवाला भी उतरेगा। I'm sorry बेटा, अपने बाबा को माफ नहीं करोगे? प्लीज कुछ खा लो बेटा। ऐसा नहीं, आपकी बात नहीं सुनेगी, आप इसे जबरदस्ती प्लीज खिलाएं। देखा कितनी फिक्र रहती है इसे तुम्हारी, तुम ही हर वक्त इससे बदगुमान रहती हो। मैं नाश्ता तब करूंगी जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। आपने बुआ को छुट्टियों पर भेजा था ना, तो
फिर उनका सेल फोन क्यों ऑफ है? कहीं आपने उनको हमेशा के लिए? नहीं बेटा, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नंबर शायद उन्होंने चेंज कर लिया होगा। बुआ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आपने उनको जॉब से निकाल दिया है ना, वो भी इस औरत के कहने पर। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी सारा, बुआ की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मैं भला उनकी दुश्मन थोड़ी हूँ। चली जाओ यहाँ से और दोबारा नजर मत आना मुझे। सारा ठीक है अपना शाजमा, तुम ही चले जाओ यहाँ से। लेकिन सारा अगर तुम ये चाहती हो कि शाजमा आइंदा तुम्हारे सामने ना आए तो वो कभी नहीं आएगी। प्लीज तुम सब बातें भूल जाओ, ये नाश्ता करो और यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो बेटा। अब मजीद कोई छुट्टी नहीं करनी, ओके बेटा? ये जूस पीकर ना फौरन आ जाओ, पी लो बेटा। शाबाश। कैसी तबीयत है अब आपकी? तुम क्यों पूछ रहे हो? दरअसल साबरा बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है। मैं तो वापस जाने वाला था, मुझे फिर अहसन साहब ने फोन करके कहा कि आपको यूनिवर्सिटी लेकर जाना है। एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था, वो मिस नहीं करना चाहती थी। एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना मनाए तो, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारी पसंद और मर्जी के मुताबिक नहीं होती, मगर हमें उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना पड़ता है। अगर हम खुद को मुश्किल में डालने के बजाय कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाएं तो यकीन माने ज़िंदगी पुरसकून और आसान हो जाती है। बाबा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप सारा पर हाथ उठाएंगे, वो भी उस औरत के कहने पर। पहले उसने सारा पर हाथ उठाने की कोशिश की है, अब वो आपको वरकला रही है सारा के खिलाफ। शाजमा की इतनी जुरत नहीं कि मेरे घर में मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश करे। बाबा आपको उस औरत पे एतबार है, अंधा एतबार, बस अपनी ही बेटियों पर नहीं है। सारा की हर बात पर यकीन मत किया करो, तुम जानती हो ना कितना बचपन है उसमें। बाबा वो झूठ नहीं बोल रही है, जब वो कह रही है कि शाजमा ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की है तो यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। आप पूछो ना बुआ से, ये सब कुछ उनके सामने ही तो हुआ था। उनसे क्या पूछेंगे आप, उन्हें तो आपने शाजमा के कहने पर हैदराबाद भिजवा दिया था। बुआ ने भी सारा को शाजमा के खिलाफ बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो सारा के दिमाग में इस किस्म की खराफात डालेंगी। बाबा बुआ ऐसी नहीं है, हम उन्हें कितने सालों से जानते हैं। तुम मानो या ना मानो, बुआ ने सारा के दिल में मेरे और शाजमा के खिलाफ नफरत भरी है। क्या सच है और क्या झूठ ये तो वक्त ही बताएगा, अगर तब आप बहुत पछताएंगे। बेटा शाजमा वैसी नहीं है जैसा तुम लोग उसे समझते हो। सारा बिला वजह उसे अपना दुश्मन समझती है। उसका बिहेवियर हद से ज्यादा खराब है शाजमा के साथ। अगर शाजमा को देखो, उसके मुंह से एक लफ्ज शिकायत का नहीं निकलता। बाबा मैंने आपको यहाँ शाजमा की तारीफें सुनने के लिए फोन नहीं किया, और ना ही आपको मुझे वजाहत देने की जरूरत है। आप हमारे बाप हैं, गलत बात पर हमें डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन एक गैर औरत के कहने पर हरगिज नहीं। जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, शर्मिंदा हूँ, सारा से माफी मांग ली और तुमसे भी माफी मांगता हूँ। गुस्से में हाथ उठ गया था। तुम फिलहाल सारा से बात करो, उसे समझाओ, वो अपना रवैया बदले, वरना मुझे कुछ और सोचना होगा। क्या? मैं सारा की एंगेजमेंट करवा दूंगा, उसका ध्यान भी हट जाएगा शाजमा की तरफ से। शाजमा से ध्यान हटाने के लिए अब सारा की एंगेजमेंट करवा देंगे? हाँ उसकी उम्र ही क्या है, अभी वो पढ़ रही है। प्लीज जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला मत कीजिएगा, उसकी सारी जिंदगी का सवाल है। अरे तुम कुछ दिनों के लिए उसे अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? अब क्या हो गया, अब कौन सी जंग छिड़ गई उन दोनों में? बाबा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जब से वो औरत उस घर में आई है सुकून बर्बाद हो गया उस घर का। तो यहाँ कौन सा सुकून है, रोज ही कॉल आ जाती है, कभी सारा कॉल करके तुम्हें टेंशन दे रही होती है, तो कभी अंकल की लंबी लंबी कॉल्स में सारा की शिकायतों के अलावा कोई बात ही नहीं होती।
तुमसे चाहते क्या है? घर के हर मामले में तुम्हें घसीट रहे होते हैं। सारिम, वो मेरा भी घर है, उस घर का हर मसला मेरा मसला है, आपको क्या एतराज है? जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें एक बार भी खुश या रिलैक्स नहीं देखा। नहीं, दुल्हनों वाली खुशी है ही नहीं तुम्हारे चेहरे पर। शादी जिन हालात में हुई है अच्छी तरह से जानते हैं। पहले उस शाजमा की वजह से हमारी जिंदगी में अजाब आ गया, फिर आपके पेरेंट्स ने शादी रुकवाकर इतनी बड़ी टेंशन क्रिएट कर दी। हाँ तो अब हो गया ना, अब तो खुश हो जाओ। कैसे खुश हो जाऊं? वहां वो औरत मेरी बहन को सुकून का सांस नहीं लेने दे रही और आप कह रहे हैं मैं खुश हो जाऊं? तुम्हारी बहन को नन्ही बच्ची नहीं है जो उस औरत की सारी बातें बर्दाश्त कर लेगी। सारा के एटीट्यूड से हम दोनों अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और प्लीज अब उसे यहां मत बुलवा लेना, हम अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं कर सकते सारा की वजह से। एटलीस्ट बाबा के सामने उस औरत के साथ अपना बिहेवियर नॉर्मल रखो यार। बाबा को क्यों कुछ नजर नहीं आता बेला? उसकी चलाकियां मकारियां। बड़े बूढ़े भी ठीक ही कहते हैं, बुढ़ापे का इश्क इंसान का दिमाग खराब कर देता है। मैं भी नहीं छोड़ूंगी उस लड़की को, गिन गिन के देखेगा बदले लूंगी उस मनहूस से, साड़ी की साड़ी उसकी अकड़ निकाल दूंगी मैं। मेरा मशवरा मान तो किसी छोटे मोटे खानदान का लड़का उसके पीछे लगवा दे और जल्द अज जल्द उसे जान छुड़ा ले। इतना आसान नहीं है अम्मा, उसे जान छुड़वाना अब भी कैसी बातें करती है। सोच ले, उसकी शादी तेरे सब मसलों का हल है, उसके होते हुए तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि उस मनहूस की जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन ऐसा मानेंगे तो फिर ना। ऊपर से सारा के भी बहुत नखरे अम्मी, उसे कोई मामूली लड़का पसंद नहीं आने वाला, दिमाग उसका सातवें आसमान पर है। बस कहीं ना कहीं उसकी शादी हो जाए, मेरी जान छूटे उससे। मेरी बात भी तू कान खोल के सुन ले, सारा के उस घर में होते हुए तू ऐसन के दिल पे कभी कब्जा नहीं कर सकेगी। मुझे ऐसन के दिल पे कब्जा नहीं करना, उसके घर पे और उसकी जायदाद पे कब्जा करना है। तो वो ऐसा भी नहीं होने देगी? तू मेरी बात मान, मेरी जान, तू ऐसन से बात करना अपने भाई के लिए। अरे फराज जितना तमीजदार और वफादार लड़का उसे ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। और क्या, भले वो फराज को अपना घर दामाद बना ले, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं होगा। मेरा क्या है, अपना बोरिया बिस्तर समेट के मैं भी तुम दोनों के साथ रहूंगी। फरहाद जैसे अनपढ़ और बीमार लड़के को कौन भला अपनी बेटी का रिश्ता देगा अम्मी? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं किस मुंह से इस बीमार लड़के का रिश्ता मांगूंगी उनसे? इससे ज्यादा तो पढ़ा लिखा वो ड्राइवर का बेटा है। मैं तो चाहती हूँ ऐसी जगह उसकी शादी हो जहाँ उसकी वापसी का कोई इम्कान ना हो। बिल्कुल ठीक। फरहाद, सारा हयात खान ऐसा ही लड़का डिजर्व करती है। क्यों आंटी, तुम कब आए? बस अभी आया। अरे घर में अंदर आने से पहले दस्तक दे दिया करते, यूं मुंह उठाकर अंदर चले आए तुम। अम्मी क्या हो गया, वहाज कोई गैर थोड़ी है, कभी भी आ सकते, दोस्त है मेरा। दोस्त है मेरा, और अगर एहसन की मौजूदगी में यूं बेधड़क अंदर आ जाता तो क्या जवाब देती तुम एहसन को? उस दिन तो अल्लाह ने बचा लिया, बचत हो गई हमारी, एहतियात करना जरूरी है। और शाजमा कान खोल के सुन ले, मुझे तो लगता है ये लड़का और इससे दोस्ती तुझे महंगी पड़ सकती है। आंटी एक बात मत भूलिए कि मेरी ही प्लानिंग की वजह से आपकी बेटी का घर बसा है। अरे ऐसा जैसा करोड़पति दामाद मिल गया आपको और आप मुझसे ही बदगुमान हो रही? मैंने तो आप लोगों का भला ही चाहा है। आज तुम्हें पता तो है अम्मी की नेचर का। अम्मी अब जाए, उठे चाय बनाए वहाज के लिए, वहाज आए। खाना खाओगे ना? बल्कि खाना बनाए उठ के। नहीं नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर चलकर खाते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए। वाकई में? चलो चलो। बेला, बाबा से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, वो तुमसे भी वही कहेंगे जो वो मुझे कहते हैं कि शाजमा ने ये नहीं किया, शाजमा ने वो नहीं किया। जब वो मेरी बात का यकीन नहीं करे तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूँ और वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बाबा को तुम्हारे खिलाफ कर रही है। अब तुम उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगी, समझे तुम सारा?
जैसे वो बाबा के सामने मीसनी बनी रहती है, तुम भी वैसे रहो ना। यार मुझे ये मीसनापन नहीं आता। मैं जैसी अंदर से हूँ वैसी बाहर से हूँ, और गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यही तो वीक पॉइंट है तुम्हारा, तुमसे कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती है। एटलीस्ट बाबा के सामने उस औरत के साथ अपना बिहेवियर नॉर्मल रखो यार। बाबा को क्यों कुछ नजर नहीं आता बेला? उसकी चलाकियां मकारियां, बड़े बूढ़े भी ठीक ही कहते हैं, बुढ़ापे का इश्क इंसान का दिमाग खराब कर देता है। तुम बाबा के लिए ऐसी बात नहीं कर सकती हो। बाबा इस औरत की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि अपनी औलाद तक से नफरत करना शुरू हो गए। यही तो वो चाहती थी, यही तो उसका मकसद था इस घर में आने का। बेला मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती, और प्लीज तुम बाबा को भी बोलो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। जब तक वो शाजमा इस घर में और बाबा की जिंदगी में, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम क्या करोगी सारा? तुम कुछ नहीं कर सकती। काश कुछ ऐसा हो जाए कि बाबा को उसकी असलियत नजर आना शुरू हो जाए। बेला अगर तुम्हारे ससुराल वाले और फैमिली के कुछ बड़े मिलके बाबा को मजबूर करें कि उसे छोड़ दे, तो आई थिंक कुछ हो सकता है। आखिर खानदानी दबाव का मुकाबला करना कोई आसान बात तो नहीं है ना। क्या पता प्रेशर में आके बाबा उसको छोड़ने का फैसला ले ले, और फिर सब कुछ वैसा हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम भी हो गई और पता भी नहीं चला। तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता बहाज, कहाँ गुजर जाता है। क्योंकि खूबसूरत लम्हात जल्द बीत जाते हैं। आखिर हम यूँ कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो शाजमा, हमें इस तरह ना पब्लिक प्लेसेस में नहीं मिलना चाहिए। हमारी छोटी सी गलती कल को बड़ी मुसीबत में न डाल दे। एक तो अम्मी को भी ना तुमसे क्या मसला है, जब भी तुम्हें देखते हैं उनका मूड ऑफ हो जाता है, वरना अम्मी का घर सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है मेरे लिए। वेल, उनके किसको परवाह। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो प्लीज वहीं आना, ठीक है? वैसे मैं सोच रही हूँ कि एहसन के साथ ये 2 साल किस तरह से गुजरेंगे। पता नहीं क्यों बार बार कॉल्स कर रहा, सोच रहा होगा मैं कहाँ हूँ। हाँ तो उठा लो ना, अपसेट हो रहा होगा, अकेला फील कर रहा होगा तुम्हारे बगैर। तुम बिना। अच्छा शाजमा, तुम अपनी अम्मा से सारा के बारे में क्या बात कर रही थी? हाँ। क्या हुआ कल रात? वो एहसन ने सारा को थप्पड़ मारा। उस लड़की की वजह से घर में बहुत ज्यादा टेंशन है। मैंने तो एहसन को मशवरा दिया है कि सारा की शादी कर दे, लेकिन उनको मेरा मशवरा पसंद नहीं आया। सारा की शादी? ये तो वाकई अहम फैसला है। तो कोई लड़का नजर में है या फिर ये काम भी हमें ही सर अंजाम देना पड़ेगा? क्या मतलब? बताऊंगा वक्त आने।
कहाँ थी तुम आज सारा दिन? मैं अम्मी की तरफ थी, मैंने आपको मैसेज तो किया था। सुबह से रात हो गई और तुम अब आ रही हो, वो भी कैब पर? तो ऐसन और कैसे आती मैं? मुझसे कहती, ड्राइवर को कॉल करती, वो तुम्हें पिक कर लेता। घर में ड्राइवर्स हैं, गाड़ियां हैं। ड्राइवर्स को ना पिक एंड ड्रॉप देने से आपकी बेटी ने मना कर दिया है। एक दो बार मुझे अम्मी की तरफ लेकर गए थे, लेकिन सारा ने उनको डांट दिया कि शाजमा का कोई काम नहीं करेगा। और वैसे भी जिस घर के मुलाजिम मुझे इज्जत नहीं देते, मुझे अहमियत नहीं देते, मैं सारा दिन उस घर में रहकर क्या करूंगी? आप तो सुबह ऑफिस जाते हैं और रात को आते हैं। अब मैं घर में रह के बोर हो जाती हूँ, इसलिए अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। अब घर में सारा दिन रह के सारा की बातें सुनना ना किसी टॉर्चर से कम नहीं है मेरे लिए। साबरा को बोल के मैंने आपका नाश्ता लगवा दिया सारा के कमरे में, कर लीजिए। वहाँ की एक सेकंड, नाराज हो? इस घर में तो सिर्फ सारा को हक है ना नाराज होने का। आप चाहें उसका मूड ठीक करें और नाश्ता करें उसके साथ, और मेरा क्या है? मैं तो कमरे में नाश्ता मंगवा के कर लूंगी, फिर अम्मी की तरफ जाऊंगी। सुनो, मैंने तुम्हारी बोरियत दूर करने का इंतजाम कर लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस हो, बल्कि कल से क्यों, आज से। सारा बीबी, आपका नाश्ता। साहब तो नाश्ता करके दफ्तर चले गए। ये शाजमा साथ क्यों गई है? वो तो जी अब रोजाना जाया करेंगी साहब के साथ दफ्तर। क्या तुम्हें किसने कहा है? शाजमा मैम ने खुद कहा है। साहब ने आपको नहीं बताया? सारा बीबी नाश्ता। आज तुम मेरे रूम में बैठ जाओ, कल से तुम्हारे लिए कोई दूसरा रूम फर्निश करवा दूंगा। प्लीज। नए रूम की क्या जरूरत है हसन? मैं जहां पहले बैठती थी अभी भी वहां बैठ जाऊंगी। पहले की बात और थी, नाउ यू आर माय वाइफ। अच्छा, तो बीवी होने की फेवर मिल रही है मुझे? बिल्कुल नहीं, बट एज अ वाइफ तुम्हें इतनी प्राइवेसी मिलनी चाहिए। जहां तक काम का मामला है तो काम के मामले में किसी को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, आई मीन चाहे आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। अच्छा, तो क्या एक कप कॉफी भी ऑफर नहीं करेंगे आप मुझे? श्योर। लो, कप कॉफी भेजिए प्लीज। Beautiful roses for a very beautiful girl. Chip,
मेरे लिए? मगर क्यों? क्या तुम नहीं जानती कि एक लड़का एक लड़की को रेड रोज़ क्यों देता? नहीं, और जानना भी नहीं चाहती। मैंने तो सुना था कि बेज़बान फूल अपनी दिल की बात कहने में बड़ी मदद देते हैं, लेकिन तुम्हें तो शायद मेरे दिल का हाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम पर फिर से रोमांस का भूत सवार हो गया। तुम जानते हो ना कि मुझे ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी आज प्यार होगा तो कल शादी भी करनी पड़ेगी। अभी तो बेला की शादी हुई है, मैं और बाबा बहुत अकेले रह गए। ऐसे में मैं बाबा को अकेले छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो अकेले कहाँ है? उनकी शादी हो गई, मैं ना उनके साथ। जब तक वो उस घर में है, मैं वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरी जिंदगी का तो सबसे बड़ा मकसद ही ये बन गया कि उस चुड़ैल का असली चेहरा मैं बाबा के सामने लेकर आऊं। वो उस घर से जाएगी तभी मैं अपने बारे में कुछ सोचूंगी। ये तो मुश्किल काम है, अभी तुम्हारी जैसी इनोसेंट लड़की को। देखो, तुम्हारे बाबा ने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है, अब क्यों ना तुम भी अपनी एक नई जिंदगी की इब्तिदा कर लो। आखिर मुझे बुराई क्या है सारा? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे अभी किसी बात की जल्दी नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें मुझ जैसा सिंसियर और लॉयल लड़का इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सारा। जब तुम अपना जहन बना लोगी, मैं अपने मॉम एंड डैड से बात कर लूंगा। मगर मैंने कहा ना, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। देखो सारा, अभी तुम जिन हालात से गुजर रही हो, तुम्हें एक मुखलस साथी की जरूरत है जो तुम्हारे साथ सिंसियर हो, तुम्हारे करीब हो, तुमसे सच्चा प्यार करता हो। तुम्हें इस वक्त एक सहारे की जरूरत है, वो सहारा बनूंगा मैं तुम्हारा। तुम अकेले शादियों का मुकाबला नहीं कर सकती, मैं जिंदगी के हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। Thank you.